अस्सलाम वालेकुम आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद के दोस्तों और मरी कौम से मुखातिब हूँ। मैंने और मेरे दोस्तों ने, जिसमें चाचा वाहिद बख्श, रईस मोबली खान, जहांगीर खान, मुस्तफ़ा खान मैकानी, और ये सब दोस्तों ने, जैसे हमने पहले बताया था कि हम रात गए थे 4 बजे SSP साहब 3 बजे तनवीर तुन्यो साहब से मुलाकात किया उसके ऑफिस में, और वो हमारे सारे मुतालबों को उसने मंजूर करते हुए वो काफ़ी हद तक मुतमन हो गया। हमने ये मुतालबे रखे कि SSP साहब आपका एक नाम है, ईमानदार ऑफिसर हो, ये इन्वेस्टिगेशन कुरान शरीफ पे जो टीम मुकरर करोगे वो कुरान पाक पे हाथ रखवा के करोगे, जिसमें SSP साहब ने वो मुतालबा माना। 2 इंस्पेक्टर मरी हैं और 1 इंस्पेक्टर चाचड़ है DSP, जिन्होंने कुरान शरीफ पे हाथ रख कर इंक्वायरी शुरू किया, और SSP साहब ने SHO दौलतपुर को, जो कलोड़ो है कोई जात का मुझे अभी नाम नहीं आ रहे, उसको बर वक्त सस्पेंड किया, जिसका सुबह सुबह मैसेज चल गए थे, हम वापस आए और पुलिस टीम इंक्वायरी वाला हमारे साथ आया। मरहूम यासीन मरी के जिस्म में जो तशद्दुद के निशान थे और उसका जो गर्दन तोड़ा गया, पुलिस ने वो वीडियो भरे और पुलिस ने हमारे सामने ही एतराफ़ किया कि बिल्कुल मरहूम पे तशद्दुद हुआ है। मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह अज़ीम कामयाबी मेरे कौम का होगा, कामयाबी मेरे साथियों का होगा, और मज़लूम यासीन और उसके वर्षा को मुझे उम्मीद है, SSP तनवीर तुन्यो साहब पे मुझे यकीन है, क्योंकि 2 साल पहले 3 साल पहले जो कुंगरानी हमारे दौड़ में एक मर्डर के झूठे केस में फंसे थे, तो सारे ताकतवर एक तरफ थे, यही तनवीर तुन्यो साहब एक तरफ था, और हम मजलूमों के सपोर्ट में था, जिसमें वो मजलूम आज़ाद हुए और उसका मर्डर जो था, जो ओरिजिनल कातिल थे, वो 1 साल के बाद तनवीर तुन्यो साहब के इंसाफ के बदौलत वो जेल से रिहा हुए। मुझे यही उम्मीद है कि तनवीर तुन्यो साहब एक ईमानदार ऑफिसर है, अनेस्ट ऑफिसर है, और उसका एक माशाल्लाह अपना स्टाइल और अपना मियार है। हम ये नहीं चाहते कि किसी से नाइंसाफ़ी हो, हम ये नहीं चाहते कि ऐसे जो कलोड़ों से ज्यादती हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मरहूम यासीन मरी के लाश से इंसाफ ना हो। हमें यकीन है कि कलोड़ों साहब ने जिनके कहने पे हमारे यासीन नौजवान को कत्ल किया, इंशाल्लाह वो 3 दिन के अंदर जाहिर होंगे। मैं मरी काम को 3-4 दिन के बाद मुबारकी दूंगा, जब ये SHO और सारा स्टाफ गिरफ्तार होगा। SHO को बर वक्त SP साहब ने मुअत्तल किया। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि इत्तेहाद और इत्तफाक में बरकत है। मुझे फख्र है कि मेरे मरी कौम के तीनों टक्कर, गजेनी, बिजारानी, लोहारानी, रात के मसले में फिर भी उन्होंने अपना तारीख का सबूत दिया। वो रात में सारे एक थे, एक पेज पे थे, और इंशाल्लाह मजलूम यासीन शेरानी को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह निगहबान।